नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अमोल दीपक केड़कर है। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ, सेक्सोलॉजिस्ट हूँ, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ। हमारा खुद का हॉस्पिटल है केड़कर हॉस्पिटल, जो अकोला में स्थित है। अकोला ये महाराष्ट्र में, इंडिया में। आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो है एक्सरसाइज, मतलब व्यायाम या वर्जिश और मानसिक बीमारियाँ। जो टॉपिक जो मैं आज लेकर आया हूँ वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास बहुत से पेशेंट्स जो आते हैं वो पूछते हैं कि सर, हमारे पेशेंट का वजन बढ़ रहा है, हमारा पेशेंट जो है वो ढीला हो रहा है, काम नहीं कर रहा है, अकेले एक जगह बैठे रहता है, पेट फूलने लग गया है, खाना खाने लग गया है, तो उसके लिए हमने क्या करना चाहिए। तो मेरा जवाब ये है कि जैसे जैसे मानसिक बीमारियाँ बढ़ती है या अगर हम दवाई देते हैं तो पेशेंट का वजन बढ़ना स्वाभाविक है। इसलिए एक्सरसाइज करना या वर्जिश करना या व्यायाम करना ये अनिवार्य है, कंपलसरी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हर एक व्यक्ति के लिए। ये वीडियो वो उन लोगों के लिए भी है जिनको मानसिक बीमारियां है और जो दवाई ले रहे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और जो नॉर्मल लोग हैं हम जैसे जो व्यायाम नहीं करते या एक्सरसाइज नहीं करते उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। एक्सरसाइज ये जो मानसिक बीमारियां है उनको भी अच्छा करते हैं और जो नॉर्मल लोग हैं उनको भी पावरफुल बनाते हैं, ऐसी एक्सरसाइजेस है। एक्सरसाइजेस का मैकेनिज्म क्या है, एक्सरसाइजेस से होता क्या है? देखो, ऐसा है कि एक्सरसाइज जब हम करते हैं 45 मिनट्स, एक घंटा जब हम दम लगा के व्यायाम या एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे बॉडी में अलग अलग प्रकार के केमिकल्स रिलीज होते हैं, जैसे डोपामाइन, सीरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, और वो केमिकल्स रिलीज होने के बाद जो व्यक्ति का कॉन्फिडेंस है वो अलग लेवल पे चला जाता है। आज जो वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूं उसमें मैं मानसिक बीमारियों में एक्सरसाइज कैसे काम में आती है वो बताने वाला हूं। बहुत सारे पेशेंट्स को जिनको हमने बताया कि एक्सरसाइज करना जरूरी है उन लोगों ने फॉलो किया। फॉर एग्जाम्पल, डिप्रेशन, स्किजोफ्रेनिया, एंग्जाइटी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ऐसी बहुत सारी जो बीमारियां है उनमें हमने पेशेंट को बताया कि आप रेगुलरली एक्सरसाइज करो। जो पेशेंट ने रेगुलरली एक्सरसाइज की वो पेशेंट जल्दी ये बीमारी से बाहर आ सके। मैं अंडरलाइन करके या हाईलाइट करके बताता हूं कि जिन्होंने एक्सरसाइज रेगुलरली की वो जल्दी बीमारियों से बाहर आ सके। ऐसे बहुत सारे पेशेंट थे जो दवाई ले रहे थे, जिनका वजन बढ़ रहा था, लेकिन उन्होंने रेगुलरली एक्सरसाइज की और वो भी बहुत ही अच्छे स्लिम फिट हो गए। इसलिए एक्सरसाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज आप कुछ भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपका उम्र क्या है, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ क्या है, आपके नी बोन, आपके हिप बोन कैसे है, आपका सेक्स क्या है, मेल है या फीमेल है, उस पर डिपेंडेंट है कि आप व्यायाम क्या कर सकते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे ज्यादा विगरस एक्सरसाइज नहीं करना है। सिंपल वॉकिंग, जॉगिंग अगर हमने किया 45 मिनट्स या एक घंटे तक अगर व्यायाम हमने किया, ऐसा व्यायाम जिसमें हमको पसीना आए, तो ऐसा व्यायाम भी परफेक्ट है। अगर उम्र कम है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जिम लगाओ, जिम में एक्सरसाइजेस करो या उठक बैठक करो, सूर्य नमस्कार करो, ऐसे एक्सरसाइज करो जिससे पूरा आपका शरीर हिल जाए, शरीर में से पूरा पसीना आए, ऐसा एक्सरसाइजेस बेस्ट है। सिंपल एक्सरसाइजेस वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पोते पोती है या बच्चे है उनको हम घूमने लेके गए, टहलाने लेके गए, ये हमने गार्डनिंग किया, या नीचे हमारे घर के नीचे लोगों के साथ हमने खेलकूद में पार्टिसिपेट किया। आजकल बहुत सारे पार्क्स में प्ले जिम होता है, वो जिम में अगर हम गए, अगर हमने घर का झाड़ू लगाया, घर के पूरे बर्तन मांजे, ऐसे सिंपल एक्सरसाइजेस है जो करने के कारण हम फिट रह सकते हैं और मानसिक बीमारियों से हम बाहर आ सकते हैं। ये बीमारियों के साथ साथ बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, फॉर एग्जाम्पल सुसाइड आइडियाज, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि आत्महत्या करने की इच्छा हो रही है, उनमें नींद ना आना उनमें, या सेक्सुअल डिसफंक्शंस, ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें एक्सरसाइजेस अपने को हेल्प कर सकती है। ये वीडियो के द्वारा मैं बताना चाहता हूं कि जो भी लोगों को मानसिक बीमारियां है और जो लोग दवाइयां ले रहे हैं उनमें एक्सरसाइजेस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो सभी लोगों तक ये मैसेज पहुंचाओ कि अगर हम एक्सरसाइजेस करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो ये एक प्रकार की ट्रीटमेंट है और खाली बेड रेस्ट लेना या आराम करना ये पूरी तरह गलत है।
जितने आप मोबिलाइजेशन में रहेंगे, जितने आप अपनी बॉडी को मोबिलाइज करेंगे, व्यायाम करेंगे, वर्जिश करेंगे, उतना जल्दी से जल्दी आप ये जो मानसिक बीमारियां है उससे आप बाहर आ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो ये वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं जल्द ही आगे का वीडियो लेके आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।